वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले हम उस सवाल को देख लेते हैं जो पिछले रैपिड फायर राउंड में आपसे पूछा गया था। दोस्तों, पिछला सवाल था, जावा को कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज या फिर हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, आज भी हम आप लोगों से एक सवाल पूछेंगे जो कि रैपिड फायर राउंड के आखिरी में होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ आखिरी तक वीडियो देखते रहें और सवाल का जवाब दें। दोस्तों, रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां यह हो, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो, सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा हो, सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो या फिर सीमांत लागत कीमत के बराबर हो। तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर हो। दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू। धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवल लोकसभा में। तो दोस्तों, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि ज्ञान, प्रज्ञता यानी कि बुद्धिमता, पास बैठना या फिर विश्वामित्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पास बैठना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे यज्ञवालक्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या फिर विश्वामित्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अगस्त्य। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। तो दोस्तों, भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद माना जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तक्षशिला, नालंदा, ओडांथापुरी या फिर कांची। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। दोस्तों, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत की बात हो रही है, अभी के भारत की बात या नवीन भारत की बात नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली कैलिफोर्निया, अल अजिया लीविया या जकोबाबाद पाकिस्तान या फिर अटकामा पेरू। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल अजिया लीबिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर एट। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कॉर्डिलेरा या फिर हिमालय पर्वतमाला। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंडीज पर्वतमाला। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर नाइन। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य है। लोलक की पूर्ण ऊर्जा,
लोलक की गतिज ऊर्जा, लोलक की स्थितिज ऊर्जा या फिर शून्य। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शून्य। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त होता है? मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, पोलो या शूटिंग जिसे तीरंदाजी भी कहते हैं। राइट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी कि गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर गोवा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? नासिक, मास्की, हाथी गुंफा या फिर एहोल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एहोल। तो दोस्तों यह एहोल की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। याद रखें दोस्तों, किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी इसकी रचना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। दोस्तों मुद्रा स्फीति का मतलब होता है किसी भी मुद्रा की बाइंग कैपेसिटी यानी कि परचेजिंग पावर कम हो जाता है। जब परचेजिंग पावर कम होने का मतलब होता है मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति यानी कि मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाने से और उत्पादन के कम हो जाने के कारण मुद्रा स्फीति बढ़ जाती है यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, ऊर्जा की आधारभूत इकाई, रेडियो धर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। गुर्दे यानी कि वृक्क की निस्पंदन इकाई कौन सी है यानी कि फंक्शनल यूनिट कौन सी है? पित्त फाइबर, एक्सॉन, नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। यानी कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग या उक्त सभी रंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। दोस्तों लाल रंग, जिस व्यक्ति को लाल रंग नहीं दिखता है उसे उस बीमारी को प्रोटोनोपिया कहते हैं और जिसे हरा नहीं दिखता उसे ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, हरा जिसे नहीं दिखता है उसे ड्यूटेरोनोपिया, जिसे लाल नहीं दिखता है उसे हम प्रोटोनोपिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी भी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य, मांग, उपयोगिता या फिर मुद्रा का मान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मूल्य। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? लैगून, स्वच्छ अलवण जल का झील, काल्डेरा झील या कास्ट झील।
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कालडेरा झील। दोस्तों ज्वालामुखीय गतिविधियों से कालडेरा झील अथवा क्रेटर झील का निर्माण होता है। इस झील का जल अम्लीय होता है। दोस्तों याद रखेंगे कालडेरा झील को ही क्रेटर झील कहा जाता है, जिस और याद रखेंगे कालडेरा झील और क्रेटर झील एक ही है और इसका जल क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी कि पीएच इसका 7 से कम होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। जिस कुएं में से जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं गहरा नलकूप, उत्सित या आर्टिसियन कूप, या आर्टिसियन वेल कहते हैं इसे, साधारण कूप या फिर नलकूप। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्सित कूप, यानी कि आर्टिसियन वेल भी इसे कहा जाता है और इसे पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। जब पानी अपने से खुद ही बिना किसी पंप के जमीन से बाहर निकलने लगता है उसे पाताल तोड़ कुआं कहा जाता है, और आर्टिसियन वेल जब आप कोई पाइप अगर लगा देते हैं, अगर ड्रिल करते हैं जमीन में और पानी अपने आप बिना पंप की सहायता से पानी बाहर आने लगता है उसे आर्टिसियन वेल कहा जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संसद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद। दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अविधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। कैक्टस में सूल यानी कि कांटे किसका रूपांतरण है, तना, अनुपर्ण, पत्ते या फिर कलियां। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पत्ते, यानी कि जो कांटे होते हैं कैक्टस में ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अकबर, यानी कि अकबर के शासनकाल में ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है शुक्ति संग्रह, मूसा संगीता, त्रिपिटक या जैन अवेस्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूसा संगीता, जिसे है टोरा भी कहा जाता है, TORAH, टोरा। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। द लास्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है, बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, मानव जीन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट या फिर जैव विविधता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं। दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। दोस्तों रैपिड फायर राउंड वाइंड अप करने से पहले हम आपको एक सवाल आपसे आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये सवाल है, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थ प्रवर्तनीय है, आंशिक रूप से अप्रवर्तनीय है या फिर कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी यदि हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अवश्य शेयर करें, ये सभी के लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अगर इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो भी देख लें, उसमें इसकी कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, उसे आप अवश्य देख लें।
ठीक है दोस्तों, आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। हम फिर कल हाजिर होंगे आपके समक्ष कुछ सवालों को लेकर। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग।